4th फेब 2023, रात के बज रहे हैं 11 और मैं शुरुआत करने जा रही हूँ इस साल की पहली ट्रिप पर। और मैं जा रही हूँ आउट ऑफ स्टेट एंड टू अ नियर बाय स्टेट कोलकाता एंड टू मीट सम न्यू पीपल दोज हैव जॉइन माय लाइफ दिस ईयर एंड आई एम ऑल सेट टू बोर्ड द बस एंड नाइट जर्नी है एंड आई एम ऑल एक्साइटेड फॉर सोलो ट्रिप टू कोलकाता। कोलकाता फाइनली 3:50 AM को मैं धर्मतला बस स्टैंड पर उतरी एंड आई बुक्ड myself अ कैब एंड इट वॉज ए होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। आई वॉज यलिंग लव यू कोलकाता। कभी सोचा नहीं था कि लाइफ ऐसे सडनली 180 डिग्री टर्न मारेगी और मुझे मेरे सपनों से रूबरू कराएगी। The early morning breeze, the new city, the roads and the lights were enough to make me go crazy. पता नहीं कुछ कुछ करके बहुत कुछ फील होता है which are beyond explanations. बस खुशी महसूस होती है जो कि मेरे चेहरे पर आप लोगों को साफ साफ दिख रही होगी। विंटर तो थी बट विंडो शील्ड को नीचे करके आई वॉज जस्ट enjoying द अर्ली मॉर्निंग विंटर ब्रीज and nothing can be more satisfying than this. I feel super blessed. The sense of freedom ran down my spine and it felt just magical. Early fresh morning in Kolkata aur main hu मेरे डेस्टिनेशन के बिल्कुल सामने और मैं उनके घर जाने रही हूँ। मुझे शौक चढ़ा है सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्लॉगिंग करने का और कैब लेके मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे ये प्लेस इतना ब्यूटीफुल लग रहा है और यहाँ इतनी शांति है कि मुझे अभी किसी के घर जाने के लिए मन नहीं कर रहा है एंड मैं रास्ते पे खड़ी होके ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और मेरा इन लोगों ने पोपट बना दिया है। एक तो मैं अर्ली मॉर्निंग आ गई हूँ और ये लोग लेट नाइट सोए होंगे और मैं कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ और एज एक्सपेक्टेड कोई कॉल नहीं उठा। तो बेसिकली मुझे भी रोड्स और एनवायरनमेंट पसंद आ रहा था, मुझे जाने का मन नहीं था एंड वैसे भी कोई गेट नहीं खुल रहा है जाने के लिए, तो मैं चिल कर रही हूँ बाहर। आई विल कीप यू अपडेटेड, बाय। पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़कियों का अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बट बॉस मेरी मानो तो गर्ल्स स्टार्ट डूइंग थिंग्स व्हिच यू रियली 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 वांट टू डू। जब मेरा कैमरा साथ हो तो मैं कभी अकेले नहीं होती एंड आई जस्ट लव बीइंग अराउंड मायसेल्फ सो मच दैट इंस्टेड ऑफ वरिंग कि कोई गेट क्यों नहीं खोल रहा है, आई एम जस्ट एंजॉयिंग। फाइनली किसी ने तो मेरा कॉल आंसर किया एंड आ रहे हैं वो अभी गेट खोलने के लिए। तो देखते हैं कौन आ रहा है मेरे रेस्क्यू के लिए। हु इज दैट वन गाय हु इज कमिंग, लेट्स सी। फाइनली दो लोग आए हैं मुझे रेस्क्यू करने के लिए। मैं तो नॉर्मली सुबह उठता हूँ मैं नॉर्मली, तो कम से कम 5-6 मिस कॉल रहता है। वाह, अपनी तारीफ में बहुत कुछ अच्छी बातें बोली जा रही है। ये रिकॉर्ड हो गया अभी मेरी बात ऑन कैम, दैट्स गुड। और हम फाइनली अभी अर्ली मॉर्निंग टॉक्स कर रहे हैं। इन लोगों को सोना तो था लेकिन मैंने आके इन लोगों को डिस्टर्ब कर दिया और ये हमारी फर्स्ट मीट है और ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बन गए चाय, लेट्स सी। देखने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, हम ही देखेंगे। हाँ चलो बनाओ, बढ़िया से बनाओ। हाँ हम रिव्यू देंगे, बनाएंगे हम, पी लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कैसे बना था। नहीं नहीं, मैं पीने के लिए रिव्यू ज्यादा ही देखा। नहीं, हम लोग का कुकिंग चैनल नहीं है, हम लोग को कैसे बना कैसे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ रिव्यू समझते हैं। तुम लोग पियो फिर रिव्यू देना। हाँ जी, हाँ खुद की चाय कैसी बनी है? ओह माय गॉड, वाओ ऑसम। अरे कौन चाय डाल के बढ़िया ना, सही में बढ़िया, सही में बढ़िया। सुबह के 5:30 बजे चाय पीने के बाद क्या प्लान है?
प्लान है कि थोड़ा वॉकिंग करके आओ। थोड़ा बाहर घूमने के, थोड़ा झूठे सही में और क्या। अरे ऑनलाइन चादर डालो तो बिछा के फिर अभी से सोएंगे। ऑनलाइन दे दो, वीडियो कर रहा है तो हम लोग अच्छे से बोल रहे हैं ना, हाँ ऑब्वियसली। वॉक नहीं जाना है थोड़ा हाँ, अरे लाइफ सोने फेस में क्या है, इंसान ऐसे ही मतलब कर। 1/3 ऑफ द लाइफ सो ही जाता है तो ठीक है। ये एकदम रॉ जाएगा, तुम लोग का झूठ जो है पूरा रॉ जाएगा। अरे हाँ क्या लेके आए हैं ये? अरे रुको कुछ लेके आए, अरे क्या कुछ बने हैं क्या? अरे देखिए हाँ अपने कल गर्मा गर्म सिर्फ तुम्हारे लिए बने थे। अरे वाह, अरे आज भी गर्म है क्या? कल रात से आज सुबह 5:30 झूठ पकड़ा गया। तो झूठ हाँ? नहीं, बीच से दिया है तो गर्म ही होगा। अरे वाह, और बिहाइंड द सीन से कैमरा मैन है जो अभी 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 हाँ डायरेक्शन सीख रहे हैं, दिस इज और गुड। कैमरामैन का और क्या है चेहरा अंदर, हम भी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ये ये चाय सो ये जो कि मैंने कैमरामैन का खुद बनाया है और चेहरा बहुत बढ़िया बनाया है, ये देखो दीपक दा भी पी रहे कॉफी है, ये हैं। कॉफी है। एंड दिस लुक्स ऑसम, लेकिन एकदम मस्त। लेकिन क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोलो। नहीं एक्चुअली ये क्या है? इसको बोलते हैं हाँ इसको बोलते हैं, आई थिंक अच्छा आरिसा, यू आर आरिसा सो सिंपल। आरिसा पिट्ठा, यस आरिसा पिट्ठा। लेकिन इतना बड़ा साइज का मैं कभी देखा नहीं, इसका आधा वाला साइज का हमारे घर पे सो बनता थोड़ा तोड़ के खाओ और रिव्यू दो। है। ओके नहीं एक्चुअली तुमको क्या लग रहा है, वो मतलब बड़ा बन गया है ना, ये ऐसे मतलब कल्चर वैरीज विद इन 100 किलोमीटर में कल्चर चेंज हो जाता है हमारे देश में, मतलब तो 100 किलोमीटर में साइज बड़ा हुआ साइज बड़ा हो गया। देखो कैडबरी इतने का भी मिलता है, इतने का भी मिलता है, इतने सेम, का भी मिलता है, ये लेकिन वो है। भाई ये तो हम तोड़ के खा सकते हैं। हाँ तो तोड़ तुम तोड़ के खा के रिव्यू दो। खाओ ये आपका है, आप उसमें डालिए बाहर ले गया, बस हमको नहीं पता ना, उसको रेस्क्यू कीजिए उस डब्बे से। खा के रिव्यू देता था। हाँ खाओ। अरे बाप मुरमुरा है इतना मस्त है, आप उधर खा रहे उधर से आवाज आ रहा है। नहीं नहीं फैंटास्टिक, बहुत अच्छा टेस्टी है। तो सुबह का नाश्ता हो गया था, हो गया रेडी। और क्या नाश्ता सॉर्टेड, थैंक यू वेलकम ब्रोजो। और मैं हो चुकी हूँ सुबह रेडी एंड ऑल सेट फॉर माय वेंचर एंड मीट न्यू पीपल एंड इट्स अ लवली मॉर्निंग और लवली पीपल एंड Finally walking on the streets of Kolkata and heading towards Novotel, Kolkata. And मेरे साथ बने रहे मेरी experiences share करने के लिए। I'm going to meet some new people, fantastic people. और इनसे मिलने की ख्वाहिश मेरी 2 महीनों से थी and finally I have got a chance to meet these people. एंड इतना जल्दी मीट करूंगी ये तो सोचा नहीं था, बट या आई गॉट अ चांस। एंड आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग हियर बिकॉज वीडियो लंबा हो रहा है, एंड मेरे साथ बने रहे इसके बाद की मौज मस्ती एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ एंजॉय करने के लिए। टिल देन सी या सी यू ऑन द अदर साइड, बाय।